अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मखनी। तो मैं कुछ इस तरह बनाती हूँ। मेरी रेसिपी ये है कि 1/2 kg चिकन है, 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, 1 पाव दही है, 1 पैकेट क्रीम है, फ्रेश क्रीम आपने लेनी है, 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 3 अदद प्याज ली हैं, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर है और ये लेमन है। ये जो मैंने प्याज ली है, इस प्याज को मैंने पानी लूँगी जिसमें ये डूब जाए और मैं इसको लाइट हल्का सा बॉईल करूँगी। बॉईल करके इसको ग्राइंड करूँगी और इसके साथ साथ मैं मिर्चों को भी ग्राइंड कर लूँगी। बाकी जो मसाला है वो भी मैं आपको सारे चिकन में मिक्स करके मसाला लगा दूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह बॉईल करना है। ये प्याज में भी एक उबाल आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी और अच्छी तरह ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ब्लैक पेपर, नमक, वाइट पेपर, दही और ये लेमन जूस। बस मैं इसको मिक्स करूंगी। इतनी देर में हमारी प्याज में उबाल आ जाएगा, मैं उसे ग्राइंड करूंगी। हरी मिर्चों को भी हल्का सा ग्राइंड कर लूंगी, साथ में आपको दिखाती हूँ। ये उबाल आ गया, मैंने फ्लेम बंद कर दिया। अभी मैं प्याज को ब्लेंड कर लूंगी। ये हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो जाएगा हमारा तो ये जो हमने प्याज पीसी थी, प्याज के साथ हरी मिर्चें भी डाल दी। ये हमने जो प्याज और हरी मिर्च डाली थी अच्छी तरह भून चुकी है। जी जनाब, मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, चिकन हमारी गल चुकी है। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। ये हमने क्रीम डाली थी, 5 मिनट के लिए ढक दिया था। अब हम इसमें 1 चमचा बटर डालेंगे और फिर बस हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। जी जनाब, तो हमारी चिकन मखनी तैयार हो गई है जो कि खाने में बेइंतहा लजीज है। इंशाल्लाह आप लोग भी अगर ट्राई करेंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं आइंदा फिर किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।